एक स्कूटी सवार महिला ने पुलिस को चकाघिन्नी बना दिया। पुलिस काफी देर तक इस स्कूटी सवार महिला का पीछा करती रही, लेकिन इस महिला को पकड़ नहीं पाई। जब महिला स्कूटी समेत गिर गई और घायल हो गई, तब पुलिस ने इस महिला को पकड़ा तो इस महिला के पास शराब बरामद हुई। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। शनिवार की देर रात भोगांव पुलिस ने एक स्कूटी का पीछा किया। स्कूटी कोई युवक नहीं बल्कि एक युवती चला रही थी। कस्बा के बाजार में आगे स्कूटी और पीछे पुलिस थी। स्कूटी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। देखने वाले भी भौचक्के रह गए। बार बार पुलिस की बाइक स्कूटी के पास तक पहुंच जा रही थी, लेकिन स्कूटी को रोकना पुलिस के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा था। बाजार में जिसने ये कारनामा देखा वो एक दूसरे से सिर्फ यही पूछता नजर आया कि आखिरकार ये मामला क्या है। थोड़ी देर बाद वही स्कूटी कस्बा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भोगांव बेवर जीटी रोड पर लड़खड़ाकर जा गिरी और उस पर सवार एक युवती जो गिरकर बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। युवती के कानों में लीड लगी हुई थी, पीठ पर एक स्टूडेंट वाला बैग भी लटका था। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब मौके पर जाकर देखा तो युवती के बैग में कच्ची शराब के पाउच भरे हुए थे। पुलिस ने जब स्कूटी की डिग्गी खोलकर देखी तो डिग्गी में भी कच्ची शराब के पाउच भरे हुए थे। पुलिस ने घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने स्कूटी व कच्ची शराब को कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भोगांव से अन्य क्षेत्रों में भी कच्ची शराब की सप्लाई की जा रही है? क्या अब महिलाएं भी कच्ची शराब को ढोने के काम में लग गई हैं? आखिरकार कब ये कच्ची शराब का गोरख धंधा बंद होगा? भोगांव में कच्ची शराब बनाने का कारोबार कब समाप्त होगा? युवती का पीछा करते समय युवती की एक्सीडेंट में या गिरने से मौत हो जाती तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता? युवती कौन है, कहां की है, कब से यह धंधा कर रही है? पुलिस अब इन सवालों का जवाब खोज रही है, लेकिन पुलिस ने इन सारी बातों को गोपनीय रखा है।